Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएल लोधा। साथियों, ये जो वीडियो है ये कुछ अलग वीडियो है, कुछ हटकर के वीडियो है। अलग और हटकर के क्यों हैं? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें तो डायरेक्टली नहीं दे रखी होती है सिलेबस में, लेकिन हर बार इनसे 5-7 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ तो मैं फ़िलहाल 10 ही अलग अलग आयोगों को लिख सका हूँ, लेकिन यहाँ टोटल हम 12 आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, NCTE 1995, सर्व शिक्षा अभियान, मुदालियर आयोग, CABE, कोठारी आयोग, ताराचंद समिति, NCERT, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साथियों। तो वीडियो को पूरा देख करके जाना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नया सिखाने वाला हूँ। हम मिलकर के एक एक तथ्य के बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे से सोचेंगे और एक एक तथ्य को समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो लेवल एक हो या लेवल दो हो, देखो भाई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं गारंटी देता हूँ किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी यूट्यूब के किसी भी वीडियो में इन सारी चीज़ों को एक जगह कोई किसी ने भी नहीं पढ़ा रखा है, जहाँ से हर बार प्रश्न बन के आते हैं साथियों। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। 15 से 20 मिनट में ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, 15 से 20 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, दोनों लेवल के लिए है। सबसे पहले बात करेंगे NCTE की। तो साथियों, NCTE से संबंधित प्रश्न बार बार बनता है। NCTE की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो पहली चीज़, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाता है, NCTE का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अध्यापक की जगह राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भी हो सकता है। इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? अख्तर सिद्दीकी, जो कि नई दिल्ली में ये स्थित है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। अध्यक्ष थे इसके अख्तर सिद्दीकी। यहाँ से प्रश्न बहुत डीपली हो रहा है, हालांकि ये इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आपके आ सकता है, NCTE की स्थापना कब की गई? 1995। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लेना इसको, ठीक है। शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम ये आयोजित करती है कि शिक्षकों को कौन कौन से प्रशिक्षण देने हैं, क्या क्या चीज़ें उनको सिखानी हैं, ये चीज़ें NCTE के द्वारा किए जाता है। तो यहाँ पर ये भी डबल स्टार क्या 5-स्टार वाला फैक्ट है, ये अच्छे से याद रखना है। जैसे एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि यहाँ से कि शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम कौन आयोजित करवाता है, तो आपका राइट आंसर है NCTE। स्थापना कब हुई? अगस्त 1995 में। पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। ये बिल्कुल छोटे से ही वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दूसरा आयोग देखेंगे, NCERT, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना की गई थी साथियों 27 जुलाई 1961 को नई दिल्ली में। देखो, NCERT का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। देखा होगा आपने, एक होती है आपके RBSC, RBSC का मतलब एक होता है माध्यमिक शिक्षा आयोग और एक होता है आपके NCERT। तो NCERT पूरे राष्ट्र पर एक समान पाठ्यचर्या का निर्माण करती है, लेकिन जैसे अलग अलग जो बोर्ड होते हैं राज्यों के, वो अलग अलग उनकी पाठ्यचर्या होती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या की यदि बात की जाए तो वहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? NCERT। इसकी स्थापना कब हुई थी अच्छे से याद रखिएगा, 27 जुलाई 1961 को, ठीक है। तो चलिए इसके तीसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपके तीसरा फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसको गलती से भी मत छोड़ देना, 100% मैं अभी लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ की, तो कि आपके NEP 2020 में क्वेश्चन 101% आएगा साथियों, क्योंकि ये चीज़ अभी रीट इसके बाद में आपका रीट का एग्ज़ाम ये हो रहा है, इसके पहले कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आना 100% है, यूँ मानो आप। तो नई शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, इस समय प्रधानमंत्री हैं, अभी भी है वर्तमान में भी, नरेंद्र मोदी। तो साथियों,
क्या क्या प्रश्न बन सकता है आपके रीट में। तो पहला प्रश्न बनता है आपके कि किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। तो देखो, एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था कस्तूरी रंगन समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन। तो लिख लीजिए इस चीज़ को, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है नई शिक्षा नीति 2020। अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब आ जाएगा, गलत हो जाएगा तब पता चलेगा, क्योंकि राइट हो गया तो मजा आएगा, गलत हुआ तो पता चलेगा साथियों, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए अगर पढ़ रहे हो तो। इसमें क्या हुआ साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में जो जीडीपी भारत की है उसका 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले 2.5-3% के लगभग जीडीपी का, टोटल जीडीपी का शिक्षा के क्षेत्र में व्यय किया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी को बढ़ा करके, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा करके 6% कुल जीडीपी का शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट इसमें है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, फिर इसमें बाद में कुछ चेंजेस हुए शिक्षा में, तो वहाँ पर शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा, और वापिस एनईपी में क्या किया इन्होंने, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसका नाम बदलकर इन्होंने वापस क्या रख दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, एक एक चीज एग्जाम के लिए है, मैं यूं नहीं कहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो आप यूँ मानो पैसे देकर भी आप लोगे ना ऐसे वीडियो तो नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। तो साथियों इसलिए अच्छे से निःशुल्क है सब कुछ, तो अच्छे से थोड़ी ईमानदारी से पढ़ लो इस चीज़ को। देखो इसमें है अगला, 5+3+3+4 के फॉर्मेट में शिक्षा दी जाएगी। एनईपी 2020 कहती है कि बच्चों के जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है, कैसे वो फॉर्मेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले 5 आता है, तो 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज इन्होंने बनाई है कि बालक शुरुआत के जो 5 वर्ष शिक्षा ग्रहण करेगा वो उसकी फाउंडेशन स्टेज होगी, जिसमें 3 साल तक वो प्री प्राइमरी स्कूल में रहेगा, 3 साल तक, कक्षा एक में नहीं आएगा वो। इसके बाद में 4th साल में वो कक्षा एक में आएगा और 5वें साल में वो कक्षा 2 में। 5 वर्ष उसकी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो विद्यालय में पढ़ना आएगा तो 3 साल तक तो प्री प्राइमरी स्कूल, और 2 साल उसको कक्षा 1 और 2 की शिक्षा दी जाएगी। तो ये शुरुआत के 5 है। फिर इसके बाद में जो 3 है साथियों, इसमें 3 वर्ष का प्रीपेटरी स्टेज होता है, जिसमें बालक कक्षा 3, 4 और 5 की कक्षा में अध्ययन करेगा। इसके बाद में वापस 1 और 3 आ रहा है, तो वो 3 वर्ष का मध्य चरण है, जिसमें बालक उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6, 7 और 8 में शिक्षा ग्रहण करेगा। इसके बाद में 4 वर्ष का अंतिम जो चरण है उसको, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, उसको उच्च माध्यमिक न कहकर उसको या तो उच्च चरण कहेंगे या माध्यमिक चरण कहेंगे। पहले क्या होता था, जो 9वीं से 12वीं तक का स्कूल होता था हम उसको क्या कहते थे, उच्च माध्यमिक, लेकिन अब उच्च या तो उच्च कह दो या माध्यमिक कह दो, दोनों में से एक चीज़ कहना है। पहले क्या होता था, माध्यमिक के लिए हम कक्षा 10 तक ही माध्यमिक शब्द का प्रयोग करते थे, कक्षा 12 आते ही हम उच्च माध्यमिक शब्द का प्रयोग करने लग जाते थे, लेकिन एनईपी 2020 में जो 4 वर्ष अंतिम जो चरण है, इसमें या तो उच्च चरण कह दो या माध्यमिक चरण कह दो, जिसमें कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बालक अध्ययन करेगा। अर्थात देखो वो 3 साल तो कक्षा 1 में आने में लगेंगे, 3 साल, फिर उसके बाद में कक्षा 1 से लेकर के 12 साल ये 12वीं पास करने तक, तो 12 और 3 15 साल में वो 12वीं पास करेगा साथियों। देखो इसीलिए ये नीति 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निर्मित की गई है। अब देखो पहले क्या होता था, कक्षा मतलब बालक जब 6 साल का हो जाता था तो उसको कक्षा 1 में रखा जाता था, यहाँ पर भी 6 साल का हो रहा है तो कक्षा 1 में पहुँच जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष से ही बच्चे की शिक्षा आरम्भ कर दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के लिए बालक जो है उनकी आयु के लिए है ये नीति। तो अगर प्रश्न पूछे कि एनईपी 2020 में आयु सीमा बताइए, तो 3 वर्ष से 18 वर्ष तक। एनईपी 2020 में कौन सा स्ट्रक्चर है, 5+3+3+4, मैंने एक एक को अच्छी तरह से बता दिया है, यहाँ पर आप इनको अच्छी तरह से लिख सकते हो। आगे बात करेंगे, कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण देना होगा। बालक जिस भाषा को बोलता है, जिस भाषा को पहचानता है, जानता है, उसी भाषा में कक्षा 5 तक उसे शिक्षा देना होगा।
इसका अगला बिंदु है एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना। एनसीईआरटी ही देखो वर्तमान में भी वही करती है और एनईपी 2020 के अंतर्गत भी एनसीईआरटी ही राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या का निर्माण करेगी। 2030 तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय बीएड करना अनिवार्य होगा। तो पहले तो क्या होता था, पहले 1 वर्ष की बीएड होती थी, फिर इसको 2 वर्ष कर दिया गया, अब यहाँ पर 4 वर्षीय बीएड करने का प्रावधान हो गया है, हो भी रही है वर्तमान में। तो 2030 तक साथियों ये जो 2 वर्ष की जो बीएड है ना, इन सभी की डिग्रियाँ खारिज हो जाएगी, याद रखना आप इस चीज़ को। उसके आप अगर अध्यापक बनना चाहते हो तो कम से कम आपको 4 वर्षीय बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए एनडीपी में 4 वर्षीय बीएड हो रही है और या फिर 4 वर्षीय बीएचटीसी इसमें हो रही है साथियों। तो यहाँ पर अच्छे से आपको याद रखना है इस चीज़ को, 2030 तक ये चीज़ें वैलिड है, बाकी उसके बाद में ये वैलिड नहीं रहेगी। वर्तमान में ये कानून है, अगर हो सकता है 2030 के बाद में कुछ छूट दे दी जाए तो वो बात की बातें हैं। चलिए अगला आयोग पढ़ेंगे। तो आपके इसमें अगला आयोग आता है, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जिसको एनईपी 1968 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है देश की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, देश की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है, 1968 वाली। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस 1968 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण साथियों, इसके पहले एक आयोग बना था कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी जिसके अध्यक्ष थे 64-66 में, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी कोठारी शिक्षा आयोग के सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का गठन किया गया था। इसका स्थापना वर्ष है 1968, 24 जुलाई 1968 को इसकी स्थापना की गई थी। तो 2-3 चीज़ें याद रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, कि ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है देश की, किसके आधार पर, किसके सुझावों के आधार पर बनाई गई, कोठारी शिक्षा आयोग के सुझावों के आधार पर, कब स्थापना की गई, 24 जुलाई 1968। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। डायरेक्टली जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा सिर्फ। तो सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना 2001-2002 में की गई थी। कब की गई थी, सबसे पहली चीज़ सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना 2001-2002 में हुई, किसके समय हुई, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 की स्थापना की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और चीज़ है कि ये 2010 तक ये टारगेट रखा गया कि आने वाले 10 साल में, ठीक है 2010 में नहीं रखा, 2001-2002 में रख दिया ये टारगेट, 2001 में ही, आने वाले 10 साल में हम शिक्षा में संतोषजनक गुणवत्ता वाली चीज़ें लेकर के आ जाएंगे, शिक्षा मतलब गुणवत्ता आधारित हो जाएगी, इसका ये टारगेट रखा गया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। तो देखो अगर प्रश्न आए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी, 1968 में बनी, अगर प्रश्न आए प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी, तो 1986 आपका राइट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 प्रथम है, और प्रथम नई की बात मतलब नई चीज़ कोई आती है ना, तो उसी प्रकार इसी शिक्षा नीति का नाम नई है, ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है प्रथम वाली, ठीक है। साथियों राजीव गांधी के समय इस नीति का निर्माण किया गया था, सबसे पहली चीज़ है ये, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, राजीव गांधी थे। आचार्य राममूर्ति समिति का संबंध इससे है, कैसे है, देखो आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया था सन 1990 में, क्यों किया गया था, कि ये जो प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी थी, तो इसके जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे थे वो प्रयत्न पूरे नहीं हो रहे थे, मतलब उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, तो क्या क्या कमियां रह गई है, इस चीज़ को चेक करने के लिए ही आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया था। तो इसका संबंध फिर किससे रहेगा, 1986 वाली नीति से। साथियों प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, कि प्रत्येक जो विद्यालय है उसमें जो न्यूनतम आवश्यक संसाधन है उनकी पूर्ति कराना, न्यूनतम आवश्यक संसाधनों की पूर्ति कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। आप यूं मत सोच लेना कि भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है तो भाई प्रत्येक विद्यालय में ब्लैक बोर्ड लगाना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, नहीं, न्यूनतम जो संसाधन जितने आवश्यक होते हैं उनकी पूर्ति प्रत्येक विद्यालय में करना।
इसी के अंतर्गत साथियों प्रोग्राम ऑफ एक्शन का गठन किया गया था। 10+2+3 की अवधारणा दी गई थी, जैसे अभी कौन सी अवधारणा है 5+3+3+4, ये वर्तमान की जो 2020 की नीति है उसकी अवधारणा है। 1986 की जो नीति थी ये सेकंड नीति थी भारत की शिक्षा नीति के अंतर्गत, और 2020 में जो नीति का गठन हुआ ये आपके देश की थर्ड शिक्षा नीति है। तीन शिक्षा नीतियां अभी तक बन चुकी है, एक तो आपके 1968 वाली बनी थी, एक आपके 1986 में बनी, और एक अभी 2020 में बनी। तो जैसे 2020 में 5, 3, 3 और 4 वाला जो सिस्टम है, तो यहाँ 1986 में 10+2+3 था, ठीक है। आगे पाठ्यक्रम में पर्यावरण को शामिल किया गया, पर्यावरण विषय को जोड़ा गया, और कंप्यूटर को सहायक सामग्री के रूप में भी प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही जोड़ा था। प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना की जाएगी साथियों, इसका ऐसा उद्देश्य था और बिल्कुल की भी गई है। यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा कि डाइट, प्रत्येक जिले में एक डाइट होती है, जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको हम कहते हैं, तो ये भी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही देन है। तो चलिए अगला आयोग पढ़ते हैं। अगला आयोग आपके है मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम राजस्थान में RBSC के नाम से जानते हैं, बाकी अलग अलग जो राज्य हैं उनमें इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में तो RBSC है, लेकिन आप गुजरात में जाओ, पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, MP में जाओ, UP में जाओ या अन्य किसी राज्य में जाओ, तो वहाँ सभी जगह RBSC नहीं होती है, क्योंकि RBSC का मतलब तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है। साथियों माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन पूरे राष्ट्र के लिए किया गया था, सभी जो राज्य है भारत के सभी जगह माध्यमिक शिक्षा आयोग अपने अपने तरीके से उनके नाम रख रखे हैं। तो इस मुदालियर आयोग का या माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952-53 में किया गया था। पहली चीज़ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ, तो 1952-53। दूसरा इसमें है किसके अध्यक्ष का नाम था, लक्ष्मण स्वामी दास मुदालियर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, इसलिए इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इन्होंने द्विभाषा का समर्थन किया था, एक तो बालक की मातृभाषा और एक संघीय भाषा, ठीक है, ये दो प्रकार की भाषाओं का इस आयोग ने समर्थन किया था, तो इस चीज़ को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो चलिए अगला आयोग, अगली समिति है आपके ताराचंद समिति। बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसका गठन 1948 में ही कर दिया गया था। अब ये भारत में सबसे पहले भाषा विकास के लिए गठित होने वाली समिति थी, जिसने द्विभाषा का सबसे पहले विचार दिया था, एक तो मातृभाषा और एक संघीय भाषा। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि भाई ताराचंद समिति का गठन कब हुआ, तो 1948, एक क्वेश्चन ये बना आपके। दूसरा क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले भाषा विकास के लिए गठित होने वाली समिति कौन सी है, तो राइट आंसर होगा ताराचंद समिति, दूसरा क्वेश्चन आपके ये बना। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपके कि इन्होंने द्विभाषा का जो समर्थन किया, तो द्विभाषा में कौन कौन सी भाषाएं रखी, तो एक तो मातृभाषा जो बालक बोलता है, और एक संघीय भाषा मतलब अंग्रेजी। तो साथियों यहाँ से इन फैक्टों को अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पे आता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, जिसको CAB शॉर्ट में कहा जाता है मतलब। तो साथियों यहाँ जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल है, इसका गठन 1954-56 में किया गया था। इसने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र का विचार दिया, और त्रिभाषा सूत्र का जनक भी इसको कहते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बताया कि भाई बालक को त्रिभाषा के आधार पर शिक्षण कराना चाहिए, जैसे एक तो उसकी मातृभाषा है, एक उसकी संघीय भाषा है, और एक होती है राजभाषा, ठीक है, एक क्या होती है राजभाषा। तो इन तीन भाषाओं के बारे में सबसे पहले इन्होंने उल्लेख किया था, इसलिए त्रिभाषा सूत्र का जनक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल CAB को कहा जाता है। स्थापना वर्ष याद रखना है 1954-56। नेक्स्ट अगली समिति या आयोग जो की है आपके कोठारी आयोग, 64-66। 1964-66 क्यों कहा जाता है, इसे दो सन क्यों आते हैं, क्योंकि कोठारी आयोग का जो गठन है वो 1964 में किया गया था। क्या किया गया था, गठन, और इन्होंने अपनी समिति ने रिपोर्ट भेजी थी 1966 में, इसलिए ये 1964-66 बोला जाता है साथियों। तो कोठारी आयोग का जो गठन है 1964 में किया गया, 64-66 दोनों ही एक साथ ही आते हैं हमेशा ही। देखो इसके जो जनक हैं, जनक क्या है, इसके जो अध्यक्ष है दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया गया था। इसी की रिपोर्ट पर NEP 1968 का गठन किया गया, त्रिभाषा सूत्र का इन्होंने समर्थन किया। तो ठीक है, समर्थन करना उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट याद रखना है
कोठारी आयोग 1964-66 याद होना ही चाहिए, जनक है दौलत सिंह कोठारी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बना इसमें से, इसी की रिपोर्ट पर एनईपी 1968 का गठन किया गया, क्योंकि 64 में इसका गठन हुआ, 66 में रिपोर्ट सौंपी। अब इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी तो जो शिक्षाविद थे इनकी रिपोर्ट का अध्ययन करके कि भाई इन्होंने सुझाव दिया था कि एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे बालकों की जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण हो। तो साथियों उसी आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का गठन किया गया था। तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपके 11वें नंबर पे आता है एनसीएफ 2005। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है अगर पढ़ाने लग जाऊँ तो, लेकिन साथियों शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आयोग से संबंधित जो नॉर्मल चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो ही बता रहा हूँ। तो साथियों एनसीएफ 2005 में के बारे में तो आपने साइकोलॉजी में अच्छी तरह से पढ़ ही रखा होगा। प्रोफेसर यशपाल इसके जनक हैं, इसके अध्यक्ष थे। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश में इसको कहा जाता है। साथियों इसने ही अनिवार्य रूप से त्रिभाषा सूत्र को भारत में लागू किया था। भाई त्रिभाषा सूत्र तो पहले ही दे दिया था लेकिन लागू अनिवार्य रूप से करने वाला था एनसीएफ 2005। देखो करके सीखने पर सर्वाधिक बल इसने दिया था, लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कहते हैं ना, करके सीखना। तो साथियों करके सीखने पर सर्वाधिक बल एनसीएफ 2005 के द्वारा सर्वाधिक बल दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपके 12वें नंबर पे है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसकी स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। इस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि 15 वर्ष से 35 वर्ष के जो जितने भी निरक्षर व्यक्ति भारत में थे उनको साक्षर बनाना, 2007 तक सभी 15 से 35 वर्ष तक के जो व्यक्ति है वो साक्षर बन जाए, इसलिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। ये इसका उद्देश्य था साथियों। तो ये हमने कुछ आयोग कुछ समितियां पढ़ी है 12 अलग अलग, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा अच्छा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब मुझे पता है शेयर नहीं करते हो बट कर दीजिए। तो मिलते हैं 8 बजे वाले वीडियो में, साइकोलॉजी के 333 प्रश्नों का वीडियो आ रहा है, 333 प्रश्नों का। तो साथियों जरूर देखिए साइकोलॉजी के एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों पर पूर्ण रूप से, कक्षा 11 और 12 की जो किताबें हैं आरबीएससी की भी और एनसीईआरटी की भी, तो चारों किताबों से 333 प्रश्न। इन प्रश्नों को करने के बाद में आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आरबीएससी और एनसीईआरटी। तो ज़रूर देखें सुबह 8 बजे। तो मिलते हैं 8 बजे वाले वीडियो में।